रणबीर कपूर और संजय दत्त स्टारर शमशेरा का ट्रेलर YouTube पर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 22 जुलाई को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में तमिल, हिंदी और तेलुगु में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यशराज फिल्म्स ने 22 जून को फिल्म का टीजर रिलीज किया था। लगभग 3 मिनट लंबे ट्रेलर की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है, जिसमें कहा गया है, यह उस वक्त की कहानी है जिसने कहा कि गुलामी एक अभिशाप है और आज़ादी आपको नहीं दी जाती है, आपको इसे जीतना है। यह शमशेरा की कहानी है। इसके बाद ट्रेलर सैनिकों के साथ रणबीर कपूर के चरित्र की प्रविष्ट को दिखाने के लिए आगे बढ़ता है। ट्रेलर आने के तुरंत बाद नेटिजन्स ने अपना उत्साह और इसके बारे में दो मैसेज साझा करते हैं, जहां कुछ लोग ने रणबीर के शमशेरा की मुख्य भूमिका के लिए सही विकल्प के रूप में समर्थन दिया, वही अन्य लोगों को ट्रेलर के बारे में संदेह था और उन्होंने बताया कि इनसे बहुत कुछ बताया है और कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिल्म समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने कहा, रणबीर कपूर बनाम संजय दत्त शमशेरा का ट्रेलर अगर सनसनीखेज है, यह केवल बड़े पर्दे के लिए है। शमशेरा के साथ धमाकेदार वापसी कर रहे हैं रणबीर कपूर। शमशेरा इसीलिए खास है क्योंकि इससे रणबीर कपूर की अभिनय से अंत हो जाएगा। इसके अलावा कपूर अयान मुखर्जी निर्देशित ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा में भी शिव की भूमिका निभाते नजर आएंगे। रणबीर को आखिरी बार 2018 में बॉलीवुड अभिनेता संजय के जीवन पर आधारित राजकुमार हिरनी निर्देशित बायोपिक संजू में देखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।